हेलो एवरीवन, हम कंपनी अकाउंट्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, कॉल्स इन एरियर्स इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए हैं ऑफ ₹100 ईच, ओके? और हमें पता है दैट ये जो 100 रुपीज है वो कैसे लेती है, इंस्टॉलमेंट में कंपनी हमसे लेती है, राइट? हमने पहले वाले पार्ट्स में ये डिटेल में समझ लिया है। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन में ये कंपनी ने कितना लिया, एप्लीकेशन में ₹20 लिया, अलॉटमेंट पे ₹50 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹30। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर इन विच इट इज कॉलिंग मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। अभी क्या हुआ, एक जो पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल बंटी, ठीक है, हमारा कोई भी एग्जाम्पल हो, बंटी के बिना पूरा ही नहीं होता है। बंटी हमारा शेयर होल्डर है, उसने सारे फर्स्ट एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी ये तो पे कर दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल जब ड्यू हुआ उसके पास पैसे नहीं थे और उसने ₹30 पर शेयर हमें नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, ही होल्ड्स 100 शेयर्स इन आर कंपनी, ठीक है, तो 100 शेयर्स है उसके पास, उसने पहले दो तो दे दिए हमें पैसे, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो ऐसे सिनेरियो में जब पैसा ड्यू हो जाता है लेकिन शेयर होल्डर से हमें वो पैसा मिलता नहीं है, हम उसे बोलते हैं दिस इज आर कॉल्स इन एरियर्स। एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग है, अभी तक वो पैसा मिला नहीं है। अभी ये केस में कितना है आउटस्टैंडिंग, देखो, कॉल होने के बाद, ड्यू होने के बाद जब पैसे देने की बारी आएगी, बंटी ये पैसे नहीं दे पाएगा बिकॉज उसके पास अभी वो पैसा शायद नहीं है। सो 100 शेयर्स इंटू ₹30 पर शेयर, ₹30 है ना फर्स्ट कॉल, तो कितना बाकी रह गया, ₹3000। इन दिस सिनेरियो हमारा कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा ₹3000। ठीक है, बाकी सब पैसा तो मिल गया लेकिन ₹3000 अभी तक हमें मिले नहीं है, तो हम बोलेंगे दिस इज माय कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, ये जो कॉल्स इन एरियर्स है ये कंपनी का फायदा है या नुकसान है, ये कंपनी का नुकसान हो गया बिकॉज वो पैसा अभी तक शेयर होल्डर ने नहीं दिया है, शायद फ्यूचर में जाके वो देगा लेकिन वी आर नॉट श्योर। तो राइट नाउ ये जो कॉल्स इन एरियर्स है, बिकॉज ये मेरा नुकसान है, मुझे इसे करना पड़ेगा डेबिट। गेटिंग इट, फ्यूचर में शायद जाके मुझे ये पैसा मिल सकता है बट आई एम नॉट श्योर, सो राइट नाउ मैं कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करूंगी। ऑलराइट, देखिए ये जो पैसा नहीं मिल रहा है, ये जो आउटस्टैंडिंग है, इट कैन हैपन एट एनी स्टेज। फॉर एग्जाम्पल, बंटी होल्ड 100 शेयर्स और उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का भी पैसा नहीं दिया, उसने एप्लीकेशन मनी दिया और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ₹80 वो नहीं दे पाया, तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या बोलेंगे, 80 × 100 दैट इज ₹8000 इज आर कॉल्स इन एरियर्स। गेटिंग इट, ये जो कॉल्स इन एरियर्स है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये अभी हमें देखना है, एक प्रॉब्लम लेंगे और डिटेल में समझेंगे, बट ये आपको कॉन्सेप्ट समझ गया दैट कॉल्स इन एरियर्स किसे बोलते हैं। अगर किसी शेयर होल्डर ने वो पैसा ड्यू होने के बाद, इंस्टॉलमेंट ड्यू होने के बाद हमें पैसा नहीं दिया है टाइम पे, हम उसे बोलते हैं दैट दिस इज आर कॉल्स इन एरियर्स। ऑलराइट, हम एक प्रॉब्लम देखेंगे डिटेल में और बैलेंस शीट में भी वो कैसे दिखाते हैं ये भी हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस रीड दिस प्रॉब्लम नाउ। देखिए स्क्रीन पे है आपके सामने, एबीसी एंड कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, payable as 2 on application, 5 on allotment and 3 on first and final call. तो एक बार total करके देख लेते हैं, कोई premium तो नहीं है, 2 + 5 that is 7, 7 + 3 is 10, तो ₹10 का share है, ₹10 का ही issue price है। alright, आगे, all the calls were made and money was duly received except first and final call ऑन 1000 शेयर्स, मतलब ये जो ₹3 है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो 1000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला है। जर्नलाइज एंड शो द बैलेंस शीट।
ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे एंड लेट अस देन मेक द बैलेंस शीट एट द एंड। ऑलराइट, सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी, सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी मिलता है, राइट। तो एप्लीकेशन मनी इज हाउ मच, 2 रुपीज पर शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज 10,000 एंड 2 रुपीज मतलब 20,000। ऑलराइट, ये पैसा हमें मिला तो हमारी एंट्री क्या आ जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे मैं लिख देती हूं बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, 20,000। ये सारे एंट्रीज हमें पता है, अभी ये नरेशन मैं नहीं लिख रही हूं बच्चों, आपको नरेशन प्रॉपरली लिखना है। ऑलराइट, इसके बाद क्या होगा, ये जो पैसा हमें मिला, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दिस टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमारी एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। देखिए ये सारे जो बेसिक एंट्रीज है हमने बहुत क्लियरली देख ली है पहले पार्ट में, अगर किसी को कोई भी डाउट है यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। ओके, ये बहुत क्लियरली हमने पहले समझ लिया है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या होगा, एक बार एप्लीकेशन मनी मिल जाता है फिर बारी आती है अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट के केस में हम क्या करेंगे, पहले ड्यू की एंट्री पास करते हैं एंड देन रिसीट, इजंट इट। सो 10,000 शेयर्स पे 5 रुपीज पर शेयर इज ड्यू, दैट इज 50,000। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, एंट्री विल बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का पैसा ये ड्यू हुआ है तो अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे एंड दिस वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट, 50,000। अच्छा, इसका भी पैसा हमें मिल गया है, वहां पे देखिए ऊपर यहाँ पे दिया गया है ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल पे जाएंगे तब हम कॉल्स इन एरियर्स देखेंगे, राइट नाउ दिस मनी इज रिसीव्ड। तो रिसीट की एंट्री अभी यहाँ पे हम पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। ये पैसा अलॉटमेंट के लिए था, ये मिल गया तो अभी इसे भी मैंने बैंक में डेबिट कर दिया, करेक्ट। एंड नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव, नाउ हमारा बारी आ जाती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज पर शेयर है, दैट इज हाउ मच, 30,000 रुपीज। तो पहले तो 30,000 की ड्यू की एंट्री क्या आ जाएगी बच्चों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, करेक्ट। तो ये पहले हम एंट्री पास कर लेंगे यहां पे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये हमारी ड्यू की एंट्री हो गई। हमें पहले ड्यू एंट्रीज पास करने होते एंड देन रिसीट के एंट्रीज, राइट, बिकॉज पहले इंटीमेशन मिलता है शेयर होल्डर्स को दैट आप पैसा दो, उसके बाद ही वो हमें पैसा देंगे, राइट। तो यहाँ पे इंटीमेशन चला गया, उसके बाद हमें पता चला दैट 1,000 शेयर्स जिसके पास थे उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। ये हमें कब पता चलेगा, जब हम पहले ड्यू की एंट्री पास करेंगे, जब हम उसे इंटीमेट करेंगे कि बाबा तू पैसा दे, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड दैट वेदर ही इज एबल टू पे ऑर नॉट, करेक्ट। इसीलिए जब हम ड्यू की एंट्री पास करते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें टोटल जितना भी अमाउंट ड्यू है उसकी एंट्री पास करनी है, ऑलराइट। एंड नाउ व्हेन वी आर पासिंग द एंट्री फॉर रिसीट, तब देखो क्या होगा, अभी 1,000 शेयर्स पे हमें कितना पैसा नहीं मिला, 3 रुपीज पर शेयर। देखिए 3 रुपीज पर शेयर हमें नहीं मिला है तो कितना हो जाएगा, 1,000 × 3 दैट इज 3,000 रुपीज हमारा एरियर्स है, ये पैसा मुझे नहीं मिला।
तो ये जो पैसा मुझे नहीं मिला वो मेरा नुकसान हो गया, तो मुझे इसे डेबिट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं यहां पे क्या करूंगी, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 3000 रुपीज, राइट। देखिए पहले वाले जब मैंने ड्यू की एंट्री पास की थी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को मैंने 30000 से डेबिट किया था। अभी उस अकाउंट को मुझे क्लोज करना है तो मुझे 30000 से क्रेडिट तो करना पड़ेगा, तो यहां पे मैं 30000 से उसे क्रेडिट कर देती हूँ। हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, राइट। और अभी जो भी बचा है वो क्या है, वो पैसा मुझे बाकी के शेयर होल्डर्स से मिल गया, इजंट इट। ये 3000 रुपीज को छोड़ के बाकी के शेयर होल्डर्स ने तो मुझे पैसा दिया है, तो वो मेरे बैंक अकाउंट में दिखेगा। तो मैं करूंगी बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 30000 - 3, दैट इज 27000। ये वाले शेयर होल्डर्स छोड़े तो बाकी सबने तो मुझे पैसा दे दिया। तो देखिए हमारी एंट्री कैसे दिखती है, बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा मिला, जो नहीं मिला उसे कॉल्स इन एरियर्स को हमें डेबिट करना होगा, एंड टोटल जितना हमने ड्यू किया था उतना हमने क्रेडिट कर दिया। सो दिस इज हाउ हमारा कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री दिखेगी। इज दिस वेरी वेरी क्लियर, एब्सोल्यूटली क्लियर, कैसे डेबिट दिखाते हैं हम कॉल्स इन एरियर्स को। और हमारा बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या होगा वो भी हम अभी देखने वाले हैं। देखो ये हमारा बैलेंस शीट का मैंने फॉर्मेट बनाया है, यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट में यहाँ पे शेयर कैपिटल दिखता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए टोटल कितने शेयर्स है हमारे पास, देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज 10,010 रुपीज ईच, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, करेक्ट। तो ये कितना हो जाता है, 1 लाख। लेकिन ये पूरा 1 लाख मुझे मिला क्या, ये नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर्स है। तो मैं यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को माइनस करूंगी, कितना है कॉल्स इन एरियर्स 3000। तो यहाँ पे 3000 मैं माइनस करती हूँ एंड नेट अमाउंट आई एम गोइंग टू राइट डाउन आउटसाइड 97000। गेटिंग इट, ये कॉल्स इन एरियर्स का डेबिट बैलेंस है, राइट। और हमारे लाइबिलिटी साइड पे तो हमेशा क्रेडिट बैलेंसेस दिखते हैं, तो अगर मुझे कॉल्स इन एरियर्स लाइबिलिटी साइड पे दिखाना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा मेरे कैपिटल में से, ऑलराइट। और हमारे एसेट साइड पे क्या है, एसेट साइड पे जो पैसा मुझे मिला है वो दिखने वाला है। अभी हम देखते हैं कि कितना पैसा मिला हमारा, यहाँ पे जो भी हमने एंट्रीज पास किए हैं बैंक अकाउंट में कितने से डेबिट हुआ है, लेट अस सी सारे एंट्रीज मिला के, ठीक है। देखिए बैंक अकाउंट को यहाँ पे मैंने 20,000 से डेबिट किया, फिर यहाँ पे मैंने 50,000 से डेबिट किया, तो लेट अस ऐड 50,000 और आगे चल के 27,000 से डेबिट किया, तो यहाँ पे 27,000 ऐड कर लेते हैं। अभी टोटल कर लेते हैं तीनों की, जरा लेट अस सी क्या अमाउंट आ रही है, 97,000। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 97,000, हो गया आपका बैलेंस शीट टैली। देखिए 97 है यहाँ पे भी और एसेट साइड पे भी 97 है। गेटिंग इट, कैसे दिखेगा कॉल्स इन एरियर्स, एकदम क्लियरली समझ गया बच्चों, ये हमारा नुकसान है, हमें कैपिटल में से माइनस करना है। फ्यूचर में अगर जाके हमें पैसा मिलता है, अगर फ्यूचर में जाके हमें ये पैसा मिलेगा तो हमारी एंट्री क्या पास होगी, तभी ये पैसा क्यों मिलेगा, कॉल्स इन एरियर्स के लिए, तो कॉल्स इन एरियर्स को हम अभी क्रेडिट कर देंगे। अगर ये पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स, इस तरह से आपकी एंट्री दिखेगी इफ यू रिसीव द मनी इन द फ्यूचर, ओके। इज दिस वेरी वेरी क्लियर, ऑल राइट। अभी हम वो सिनेरियो देखेंगे बच्चों जहां पे एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होता है। इसका ऑपोजिट मतलब क्या, नाउ फॉर एग्जांपल हमने 1000 शेयर्स इशू किए ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है। दिस वॉज पेबल एज 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन,
3 rupees on allotment. Okay, again 2 rupees on first call and 3 rupees on second and final call. ठीक है, इस तरह से ये पैसा हमें मिलने वाला था. अभी हमारे पास एक शेयर होल्डर है जिसके पास अभी बहुत पैसा पड़ा है, तो उसके पास हमारे कितने शेयर्स है? 100 शेयर्स है. उसके पास हमारे 100 शेयर्स है, तो वो जो शेयर होल्डर है उसने हमें अगर पैसा ड्यू होने से पहले ही दे दिया, मतलब हमने जब अलॉटमेंट का पैसा उससे मांगा तो उसने हमें फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों का भी पैसा एडवांस में दे दिया, तो इसे हम बोलेंगे ही हैज गिवन अस मनी इन एडवांस. मतलब हमने जब उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, बाबा 100 शेयर्स है इंटू 3, दैट इज 300 रुपीज आपका ड्यू हो गया है. ठीक है, तो उसने क्या कहा, आप ये 300 तो ले ही लो और ऊपर से ये जो 5 रुपीज आगे फ्यूचर में ड्यू होने वाले वो भी लेके जाओ. मतलब ही हैज गिवन अस हाउ मच मनी, ही हैज गिवन अस 800 रुपीज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ओनली. एडवांस में पैसा दे दिया, दैट फ्यूचर में जब आप फर्स्ट और सेकेंड कॉल मांगोगे उससे अच्छा मैं अभी ही आपको पैसा दे देता हूं. तो ऐसे सिनेरियो में ये जो अमाउंट है जो हमें ड्यू होने से पहले मिल गई, इसे हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस. गेटिंग इट? अंडरस्टूड? ये किसी भी स्टेज पे हो सकता है. फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे किसी से फर्स्ट कॉल मांगने गए, वो बोला कि ठीक है फर्स्ट कॉल के पैसे ले लो और ये सेकेंड कॉल के भी पैसे लेके चले जाओ. ठीक है, जब भी आपको ड्यू होने से पहले किसी ने पैसा दे दिया हो तो उसे हम बोलेंगे दिस इज आर एडवांस रिसीप्ट. अब याद करिए आपके 11th स्टैंडर्ड के बेसिक जर्नल एंट्रीज. अगर हम सेलर है और हमने किसी को गुड्स बेचने वाले हैं हम फ्यूचर में, ओके, वी हैव टू सेल गुड्स टू समबडी जिसके बदले में हमें कुछ ऑर्डर मिला है, एंड वो ऑर्डर के साथ साथ अगर उसने हमें कुछ एडवांस में पैसा दे दिया कि बाबा ये पैसा रख लो और इसके बदले में फ्यूचर में मुझे इतने इतने गुड्स देना, ये दिस इज माई ऑर्डर. होता है ऐसे बहुत बार, ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम उसे पहले पैसा दे देते हैं एंड देन वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करके वो हमें गुड्स देता है. इजंट इट? दिस हैपेंस इफ वी आर द सेलर, और अगर हमें किसी ने एडवांस दे दिया हो, वी आर स्टिल टू गिव देम गुड्स इन द फ्यूचर, तो ये एडवांस हमारे लिए क्या हो जाता है? ये एडवांस हमारे लिए हो जाता है लाइबिलिटी. राइट, बिकॉज फ्यूचर में जाके हमें उसे गुड्स देने पड़ेंगे, isn't it? तो उसने पहले ही हमें कुछ पैसा दे दिया, तो जो भी एडवांस है that becomes our liability, isn't it? सिमिलर सिचुएशन अप्लाई होगा यहाँ पे शेयर्स के लिए भी. अभी तो ये पैसा ड्यू भी नहीं था, लेकिन वो शेयर होल्डर ने ड्यू होने से पहले ही हमें पैसा दे दिया, तो जब भी कॉल्स हमें एडवांस में पैसा मिलता है, दिस इज अ लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी. ये कंपनी की लाइबिलिटी है, इसीलिए इसे हम क्रेडिट करेंगे. ओके, बिकॉज याद करिए बेसिक, जब भी लाइबिलिटी होती है उसे क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट? तो इसीलिए हम कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करते हैं. गेटिंग इट? अंडरस्टूड? अभी क्या करते हैं, हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड दैट इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे पास करते हैं. ओके, लेट अस गो थ्रू अ प्रॉब्लम. Let us read the problem. ABC and Company Limited issued 20,000 equity shares of rupees 10 each, payable as 3 on application, 4 on allotment, and 3 on first and final call. All the calls were made and money was duly received. A holder of 2,000 shares made the full payment at the time of allotment. And journalize karna hai hum. ठीक है? इसने क्या किया? Allotment ke वक्त सारा पैसा दे दिया. हाउ वॉज द मनी रिसीवेबल? 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. मतलब टोटल 10 रुपए हमें मिलने वाले थे. उसने क्या कर दिया, इसी स्टेज पे जब अलॉटमेंट का पैसा हम उससे मांगने गए, उसने हमें अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया है. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, लेट अस सी. पहली जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, जब हमें एप्लीकेशन मनी मिला. एप्लीकेशन इज हाउ मच? सी, 3 रुपीज, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 3, मतलब 60,000 रुपीज का हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, राइट?
So let us pass this journal entry first. Bank account debit 60,000 to equity share application account 60,000. आप narrations properly लिख लेना, ठीक है? Equity share application का जो भी amount है, वो हमें transfer करना होता है equity share capital में. So let us do that. Equity share application account debit 60,000 to equity share capital account. करेक्ट, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया. अभी इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अलॉटमेंट का मनी ड्यू हो जाएगा. हाउ मच इज अलॉटमेंट मनी? 4 रुपीज. तो 20,000 इंटू 4, दैट गिव्स अस 80,000 रुपीज. इसकी पहले ड्यू की एंट्री पास होगी. वो जब ड्यू होता है तो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. करेक्ट. और हमें जब पैसा मिला तो हम क्या एंट्री पास करते हैं नॉर्मल सिनेरियो में? आप मुझे बताइए. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट? हमने अलॉटमेंट को डेबिट किया था 80,000 से, तो यहां पे अलॉटमेंट को हम क्रेडिट भी 80,000 से कर देंगे. Isn't it? तो अलॉटमेंट का अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा. लेकिन ये वाले प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है? एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2000 शेयर्स है, उसने हमें कुछ पैसा अलॉटमेंट के वक्त दे दिया. वो कौन सा दे दिया उसने? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया. तो ये कितना आता है देखो, 2000 इंटू 3, दैट इज 6,000 रुपीज ही गेव अस इन एडवांस. उसने ये तो दिया और ऊपर से 6,000 एडवांस दे दिया. तो ये जो एडवांस है ये फॉर द कंपनी, इट इज अ लाइबिलिटी. तो इसीलिए मैं यहाँ पे लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट करूंगी कॉल्स इन एडवांस को. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. अमाउंट इज हाउ मच? 6,000 रुपीज. ये पैसा मुझे एडवांस में मिला है तो ये मेरी लाइबिलिटी है. मैंने 6,000 से क्रेडिट कर दिया और टोटल कितना पैसा मिला? ये पहले तो अलॉटमेंट मनी तो मिल गया, उसके साथ साथ कॉल्स भी मिला, मतलब टोटल 86,000 मिला जो मैंने बैंक को डेबिट करना है. गेटिंग इट? सी दिस इज हाउ आवर एंट्री विल लुक लाइक. बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट और कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट. क्लियर? ओके. अभी क्या हो जाएगा? ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ये अभी आपको ड्यू कराना है. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज ऑफ 3 रुपीज, राइट? तो ड्यू की एंट्री विल बी हाउ मच? 20,000 शेयर्स, 3 रुपीज पर शेयर, मतलब 60,000 रुपीज, राइट? इसका ड्यू करना है तो हमारी एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. करेक्ट, इतना पैसा मिलना चाहिए तो मैंने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. लेकिन ये इसमें से कुछ पैसा मुझे पहले ही मिल चुका है, वो कितना है? 6,000 रुपीज. अब वो पैसा देने की बारी है लेकिन वो पैसा पहले ही मिल गया है. तो यहां पे देखिए, यहां पे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो कॉल्स इन एडवांस को मैंने बताया था कि ये मेरा लाइबिलिटी है, अभी अगर ये पैसा ड्यू हो गया, नाउ इट वाज नो मोर माय लाइबिलिटी, राइट? अभी पैसा ड्यू है और इसके अगेंस्ट मुझे पैसा मिल गया, तो ये जो मैंने लाइबिलिटी दिखाया है ये मुझे नलीफाई करना पड़ेगा. तो नलीफाई कैसे करेंगे? क्रेडिट बैलेंस है, मैं उसे कर दूंगी डेबिट, तो वो नलीफाई हो जाएगा इफेक्ट. तो यहाँ पे मैं करूंगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 6,000. ओके,
एंड ये जो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसपे कितना अमाउंट ड्यू था 60,000, तो मैं 60,000 को अभी क्रेडिट करूंगी, तो यहां पे मैं लिख दूंगी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 60,000। ओके, नाउ कितना अमाउंट हमें बैंक में मिला है, यहां पे 60,000 इज द टोटल अमाउंट ड्यू, राइट? 60,000 इज द टोटल अमाउंट जो मिलनी चाहिए थी, लेकिन कुछ पैसा हमें एडवांस में मिला है, दैट इज 6,000 रुपीज। तो हाउ मच इज रिमेनिंग? 54,000। दिस इज द अमाउंट जो हमें अभी बैंक में मिलने वाला है, तो हमारी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 54,000। गेटिंग इट? दिस इज हाउ आर एंट्री विल लुक लाइक। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 6,000, बैंक अकाउंट डेबिट 54,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 60,000। देखो, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट किया था 60,000 से, यहां पे क्रेडिट कर दिया, तो ये अकाउंट हो गया हमारा नलिफाई। एंड ये कॉल्स इन एडवांस को हमने जो 6,000 से यहां पे क्रेडिट किया था, यहां पे हमने उसे यूज कर लिया, राइट? तो ये अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए। लेट योर कमेंट्स पोर इन। आई एम गोइंग टू कंप्लीट एंटायर पोर्शन ऑफ क्लास 12 बच्चों, और हम रिवीजन भी लेने वाले हैं, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी। आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।